Amanitvam madambhitvam Ahimsa shanti arjavam Acharyopasanam shocham Sthairyamatma vinigraha Indriyartheshu vairagyam Anahankara yevacha Janma mrityu jara vyadhi Dukkha doshanu darshanam Asaktiran bhishvangaha Putradara grahadishu Nityam cha samachitattvam Ishtanishtopapattishu Mayi chananya yogena Bhakti ravya vicharini Vivitta desha sevitvam Aratir jana sansadi Adhyatma jnana nityatvam Tattva jnanartha darshanam Etaj jnanamiti proktam Ajnanam yadatonyatha Ajnanam yadatonyatha एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अर्जुन यह जो मैंने उक्तम प्रकर्षीण उक्तम प्रोक्तम मतलब जब प्र उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया प्रोक्तम प्रकर्षीण उक्तम अर्जुन मैंने तुम्हारे सामने ये बहुत सुंदर तरीके से रखा और अर्जुन इसी को ज्ञान कहते हैं देखो जी एतज ज्ञानम ये जो भी मैंने तुम्हारे सामने कुछ सुनाया अर्जुन इसको ज्ञान कहते हैं और इसके अलावा जो कुछ भी अब बचा देखो जी अन्यथा जो मैंने सुनाया इसके अलावा जो भी कुछ है अर्जुन उसी को अज्ञान कहते हैं ये पंक्ति खुल गई ना एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अर्जुन जो जो मैंने कहा वह ज्ञान है इसके अलावा इसके अन्यथा जो भी कुछ है वो अज्ञान है क्या क्या बोला आपने तो ये श्लोक हैं आपके सातवें श्लोक से कोशिश कीजिएगा हम तो दोहराएंगे ही प्रति और आपको ये पांच श्लोक तक मतलब कितना श्लोक तक 11 श्लोक तक ये सभी को कंठस्थ हो जाए कंठस्थ मतलब कंठ में स्थित हो जाए इसी को बोलते कंठस्थ आपको देखना ना पड़े है ना और ये संभव है अभी हो भी जाएगा आप देखेंगे डेली जब आप करेंगे घर में भी इसको एक बार जाके क्या कीजिए यही मूल्य है इसकी बात मैं कोशिश करता हूँ आज इसको कल मैं आपसे कह रहा था इसी को भगवान ने क्या बोला है ये ज्ञान है और कई बार इसी को व्यक्ति क्या कहता है मूल्य जीवन मूल्य चर्चा ये प्रारंभ कीजिए मूल्य मतलब क्या
अब आप युवाओं को बच्चों को हम बोलते हैं ना कि ये नैतिक मूल्य है, और इसी को आप कभी बोलते हैं मॉरल वैल्यूज़ है। जब आप इसी को थोड़ा और अच्छे से क्वाइन करेंगे, थोड़ा और अच्छी भाषा बोलें, तो आप इसी को कहीं बाद में जाके बोलते हैं पर्सनालिटी, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। फिर इसी का बड़ा रूप जब बन जाता है तो व्यक्ति उसी को बोलता है कि ये डिवाइन है। देखो डिवाइन मतलब क्या, कि पीछे कोई चक्र चल रहा है, पीछे कोई शंख लेके खड़ा है, डिवाइन आदमी ही है वो। लेकिन अब आप उसको बोलते हैं कि ये दैवी व्यक्ति, दैवी व्यक्तित्व तो मतलब क्या, डिवाइन मतलब क्या। तो ये चर्चा प्रारंभ कीजिए, मूल्य मतलब क्या। संत लोग एक बड़ी सुंदर सी बात यहां से कहते हैं, बोले महाराज जी जिसके पास जो कुछ है वो होता है। बोले मतलब क्या है। बोले जिसके पास बल है उसको आप क्या बोलते हैं, बलवान। जिसके पास धन है उसको क्या बोलते हैं हम, धनवान। और बना लीजिए, जिसके पास यश है उसको आप क्या बोलते हैं, यशवान। जी जिसके पास मूल्य है उसको क्या बोलेंगे आप, मूल्यवान। जिसके पास मूल्य है उसको आप क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति मूल्यवान है। लेकिन ये मूल्यवान व्यक्ति अपने को तभी कह सकता है जब उसके पास वो मूल्य होवे। इसलिए मूल्य का जो संतों ने अर्थ किया उसको शुद्ध हिंदी में कहा जाए, जीवन का जो संचालक तत्व है। मैं बिना किसी भूमिका के प्रवेश कर रहा हूं, जीवन का जो संचालक तत्व है। अब कल आपसे बात हुई, संघातश चेतना सभी के पास है, और संघातश चेतना का ही दूसरा अर्थ मैंने क्या किया, जीवन। जब से पैदा हुए और जब तक ये चेतना रहती है, लेकिन इस जीवन को जो चलाने वाली चीज है, और ध्यान रखिए सबका जीवन अलग अलग है, जीवन नाम की चीज एक है, लेकिन जो सबका जीवन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, वो अलग अलग चल रहा है। इस अलग अलग होने का कारण क्या है, बोले इसका कारण ये व्यक्ति के मूल्य हैं। जिसके जीवन में जैसे मूल्य, आपसे निवेदन करूं उस व्यक्ति का वैसा जीवन। थोड़ा इन बातों पर इसको मैं बोलूं एस्ट्रिक मार्क मारिएगा, कभी खाली में सोचिए जरा। यदि आपको जीवन सुधारना है, थोड़ा मैं डिफर करता हूं, लाइफ स्टाइल सुधारने की जरूरत नहीं है, वो छोटी चीज है। लाइफ को चलाने वाली जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज के बारे में आपका क्या ख्याल है। यदि जीवन के मूल्य अच्छे होंगे तो मैं आपसे बताऊं तो फिर जीवन की जो स्टाइल होगी वो अपने आप क्या होगी, वो ठीक ही होगी। अच्छा मान लें मैं ईमानदारी को एक मूल्य मानता हूं, तो अब मेरी लाइफ स्टाइल में क्या आ जाएगा, मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे जीवन में यदि ऑनेस्टी नाम की चीज है तो मैं ऑनेस्टी को लाइफ स्टाइल अपने आप बना लूंगा। मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं इस गुण को लाने की कोशिश करूंगा, 10 बार ध्यान करूंगा, ना ना, ये सब तो खिलवाड़ की बातें। तो इसलिए मैंने एक शब्द आपके सामने रखा, ये बहुत बड़ा शब्द है, संचालक तत्व। जीवन का जो संचालक, अब संचालक मतलब देखो उदाहरण देता हूं, शरीर, मतलब बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए संचालक तत्व को। जो शरीर है उसका जो संचालक तत्व है वो क्या होगा, जैसी व्यक्ति की इच्छा होती है,
डिजायर, वैसे ही उस व्यक्ति का क्या चलता जाता है? शरीर, नहीं लगता आपको? सोच के देखो आप, जैसी मेरे अंदर लोभ की इच्छा है, खाने के प्रति लोभ है, तो शरीर पे उसका दुष्प्रभाव नहीं दिखेगा। मतलब आप में नियंत्रण की शक्ति नहीं है, सीधी सी बात तो यही हुआ ना। बोले मन नहीं मानता, मन नहीं मानता मतलब क्या? आप में नियंत्रण की शक्ति नहीं है। तो शरीर को थोड़ा चलाने वाला जो कौन हुआ तत्व, क्या हुआ? वो इच्छाएं। अच्छा, अब इच्छालक का, इच्छा का संचालक तत्व कौन? तो बोले हमारा राग और द्वेष। जैसा व्यक्ति का राग, वैसी उसकी इच्छाएं होती हैं। जैसी व्यक्ति का द्वेष, वैसी उसकी। अच्छा करके देखो आप, यदि आप किसी से द्वेष करते हैं तो इच्छा क्या आएगी? सोच के देखो जरा, इच्छा क्या हुई? इसको पिछड़ा जाए, इसको बताया ना जाए, इसको ढकेल दिया जाए, इसको गलत बताया जाए, ये सब क्या आने लगी? इच्छाएं। क्यों आई? अच्छा अभी कल मैं, पता नहीं अभी दो तीन दिन रात में किसी से कह रहा था, सूद साहब थे शायद, उनकी बहू आपने, यथा कृति तथा आकृति, चर्चा पता नहीं अपने से, यथा कृति तथा आकृति, जैसी आपकी मन में इच्छाएं चलेंगी महाराज जी, आपके जो मुखाकृति होगी वो वैसी होगी। यदि आप गुस्सेल हैं जी, आपकी भाव भंगिमाएं समझ में, मैं कल इसीलिए आपसे प्रवचन में कह रहा था, आप मन छिपा सकते हैं, नेत्र नहीं छिपा सकते। नेत्र को कैसे छिपाओगे? अंतर हो जाएगा। किसी प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, भारत के जो कमांडोज होते हैं वो ब्लैक गॉगल्स पहन के रखते हैं। मेरे मन में भी कहा, ये ब्लैक गॉगल्स क्यों पहनते हैं? धूप तो है नहीं। बहुत अच्छी रिसर्च है। वो किसको देख रहे हैं ये पता नहीं लगना चाहिए। देखो जी, कारण देखो आप, आंख बोलती है। वो किसको देख रहे हैं ये भीड़ को पता नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने मन नहीं छिपाया, तन नहीं छिपाया, वो सफारी सूट पहने रहते हैं, बाल नहीं छिपाए, कान नहीं छिपाए, छिपाए क्या? आंख। इसको कान से आप करोगे? एक सामान्य व्यक्ति अपनी आंखों का क्या करेगा? आपसे बहुत स्पष्ट बोलूं, जैसी मन में आपकी इच्छाएं चल रही होंगी, प्रकृति आपके शरीर का जो आकार है वो वैसा ही लेना चालू करती है। आप में इनोसेंस होगी वो तभी हो सकती जब आपके अंदर हो गए। आप गुस्सेल और अभिमानी हैं यदि आप जी, आपके उठने बैठने, आपकी भाव भंगिमाएं में, इसी को आज मॉडर्न भाषा में आप बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज क्या है? शरीर की जो भाषा है वो निर्भर करती है कि मन में आपके क्या चल रहा है। उदासीन है, दुखी हैं, द्वेषी हैं, क्या है पता लग गया। संचालक तत्व पे ध्यान रखना, शरीर का संचालक तत्व इच्छाएं हो गई। इच्छा ऐसी है कि आपके राग है कि द्वेष, अब जो भी हो, और इसको आप और आगे चल लें। ये राग द्वेष, ये इच्छाएं निर्भर करती हैं लाखों रुपए की एक बात, कि आपकी बुद्धि कैसी है। गया ये, आपकी बुद्धि कैसी है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सोच के देखिए जरा, बुद्धि के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसी आपकी बुद्धि, हाँ जी, वैसे ही ये सब, आपकी इच्छा, आपका शरीर, आपका जीवन,
आपका अपनी बुद्धि के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो अब देखो संचालक तत्व कहां जा रहा है? अच्छा, बुद्धि का संचालक तत्व कौन? हाँ भला, बुद्धि को क्या कह सकते हैं, कंट्रोल करने वाली जो चीज है वो ये है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी वासना कैसी है। ये थोड़ा अंतरंग हो गया। आपकी वासना कैसी है, मैं सिर्फ ध्यान रखना, ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं संचालक तत्व। आप देखो जरा, ये तो थोड़ी है, छोटी है। जीवन का संचालक तत्व बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो छोटे शरीर का दिखा रहा हूं आपको सिर्फ। शरीर से इच्छा पर आ गए, इच्छा से राग द्वेष पे आ गए, फिर बुद्धि पर आ गए, और बुद्धि का संचालक तत्व, हाँ जी, आपका स्वभाव। स्वभाव मतलब वासना, छिपाए नहीं छिपता ये व्यक्ति का। वासना व्यक्ति की जैसी है वो मानेगा नहीं, आपसे बताऊं, अपने वासना अनुसार वो जीवन कहीं ना कहीं से क्या करेगा, निकाल लेगा। मतलब चौपाई के मिटे ही ना कठिन स्वभाव अभंगु मानस में चौपाई आई। ये ऊपर का व्यवहार व्यक्ति बदल सकता है, आपसे बताऊं, हाथ जोड़ ले, चंदन पहन ले, माला पहन ले, मीठा बोल ले, खट्टा बोल ले, झुक जाए ना झुके, ये बदल सकता है। और इसी को व्यक्ति अभी अध्यात्म कहता है, जबकि ये अध्यात्म है नहीं। माला न चंदन न मृदु न नीचे न ऊपर, ये अध्यात्म नहीं है। इसलिए मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, ये जो कठिन स्वभाव है ये अभंगु, ये भंग नहीं होता इतनी जल्दी, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने दिलासा दे दी, कहीं संत जीवन में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति के स्वभाव को भी क्या करता है, बदल देता है। संत जीवन में प्रवेश करे तो स्वभाव भी व्यक्ति का क्या होता है, बदलता है। तो देखो अब, अच्छा, इस वासना का संचालक तत्व, और थोड़ा अध्यात्मिक, जैसे व्यक्ति के त्रिगुण, व्यक्ति की वैसी वासना। देखो आप, बदलता है, ध्यान रखना, शिफ्ट होता है। आप में इस समय चल क्या रहा है, देखो अभी अभी का देखिए आप। यदि अभी सत्व गुण में आप स्थित हैं तो आपकी जो वासना होगी, जो इच्छा होगी, वो कैसी होगी? तो सबका नियोजक तत्व क्या हो गया आखिरी में, यही सत्व गुण दोपहर में बैठ गया। अब कौन उभर के आ गया? लो जी, तो अब वासना कैसी हो गई? ये वही व्यक्ति जो दिन में आपसे मिला था, शांत था, सुशील था, नहीं जी, अब ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। हालांकि देखिए, अध्यात्म के लिए रजोगुण अच्छा नहीं माना गया। जब आप छटपटाहट हो, छटपटाहट मतलब आपकी जो वेव्स हैं वो इधर उधर होने लगे, वो मैं आपसे बताऊं, अपने आप को आप वॉच कीजिए। एक कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, मैं आपसे बताऊं, आदमी उठेगा बैठेगा, इधर जाए उधर जाए, फिर बैठा फिर उठा, इधर किया उधर, कहीं के लिए आप नहीं हुए। मान लें कि मैं एक पुस्तक उठाऊं, पुस्तक देखी, घड़ी देखी, किताब देखी, ये देखा, मोबाइल देखा, ना तो आप उसको पूरा समय दे पाए, ना मोबाइल को, ना किताब को, ना बैठे हुए सामने व्यक्ति, कुछ के नहीं रहे आप। कारण क्या है? रजोगुण आपको चंचल बना के रहेगा। अच्छा, भगवान क्या बोलते हैं ये भी देख लेना। ना दो स्थितियां हैं, उनको दोनों को सामंजस्य बैठालना पड़ेगा। भगवान तो बोलते हैं नित्य सत्वस्थो भव, अच्छा साधक तो वही है। देखो सत्वगुण के आगे शब्द क्या लगा दिया, लेकिन भगवान को पता है कि रजोगुण भी आएगा,
इसके बिना चले, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि 60% सत्वगुण है तो 30%, 25%, 20% क्या है? रजोगुण। तो देखो तो डोमिनेट कौन कर रहा है? सत्वगुण। तो कम से कम जीवन में जो ज्यादा से ज्यादा समय बीते, मैं आपसे बताऊं वैचारिक तंत्र के लिए, विचार प्रधान जीवन के लिए आपको सत्वगुण में रहना अनिवार्य है। जहां व्यक्ति विचार करता है वहां उसको चंचलता पसंद नहीं है, न चंचल जीवन हो सकता। आपसे बताऊं जो व्यक्ति विचार शून्य है वो चंचलता उस पर हावी होगी। आपसे पढ़ने में, उठने में, बैठने में, और मैं आपसे निवेदन करूं बात करने में भी समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, ये चंचल। उसके शब्दों में, उसके विचारों में, उसकी क्रियाओं में। तो अभी त्रिगुण देखो कैसे पूरे जीवन का संचालक तत्व बन गया। तो नित्य सत्वस्थो भवा, सच तो ये है, लेकिन जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ा लीजिए। हुआ कि नहीं? इसको इसी को मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए बोलो संचालक तत्व। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखिएगा, यदि व्यक्ति बलवान है तो आप ये मत कहिए कि उसके जीवन का जो संचालक तत्व है वो नैतिक मूल्य है। इस बात को जरा मिलाइए। रावण के पास बल था लेकिन नैतिक मूल्य? जरा ये देखना, अभी युवाओं लोगों को आकर्षण एक पता है, बल का, बल का बहुत बड़ा आकर्षण है उनके मन में, और उनके सामने भी ये चित्र रखने की आवश्यकता है कि आखिर उस बल का हुआ क्या। थोड़े समय के लिए वो बल बहुत अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है आपको, क्या कार, क्या कमांडो, क्या पुलिस, क्या सुरक्षा कर्मी, ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में। लेकिन माय डियर, उससे पूछ के देखो आप उसके चित्त में क्या चल रहा है। नींद भी नहीं ले सकता, सो भी नहीं सकता, बात भी नहीं, क्योंकि सबकी निगाहें किस में है? आपको 24 घंटे कैमरे की निगाह में रख दिया जाए, अच्छा तो कैसा लगे? और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, कब, कौन, कहाँ, क्या रिकॉर्ड कर ले इनको पता नहीं, तो अब इनको कितना अलर्ट रहना पड़ता है। इसको बोलते हैं ना ऑफ द कैमरा, कैमरे के पीछे भी कुछ हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हरदम आप पर कोई निगाह रखे, अच्छा आप ये बताओ तो कितना चित्त भारी होगा, कब कौन आपको यूज कर ले। अब लो जी, ये मानवीय मूल्य है, देखो आप तो चित्त भारी होगा ही होगा किसी का भी, कुछ समय तो उसके लिए चाहिए जो वो फ्री हो गए। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को वो रखता है कि जहां मैं कैसा रहूं, फ्री, मैं अपने विचारों को, भावों को व्यक्त कर सकूं। तो रावण के पास बल था, बलवान था, तो दोनों की तुलना कर लीजिए, बलवान अलग है, मूल्यवान अलग। आपको क्या चाहिए? पावरफुल चाहिए। पावरफुल मतलब बलवान। बलवान की पूजा नहीं है समाज में, ध्यान रखिए, मूल्यवान की पूजा है, और ज्यादा समय तक है, ज्यादा देर तक है। इसलिए बल की ओर आकर्षित मत होइए। ये शॉर्ट टर्म का गेम है, थोड़े समय की बात है, उसके बाद ये सब चला जाएगा। किसी के पास बल नहीं रहा, चाहे वो हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे ये जितने सब हुए, कितने देर शासन रहा, और आज कोई नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन जो मूल्यवान व्यक्ति है उसका नाम आज भी आप लेते हैं। तो एक थोड़ा दिमाग में बैठा ले, स्टार्ट कहाँ से किया मैंने? मूल्य मतलब संचालक तत्व। बोले किसका संचालन करता है? बोले जीवन का संचालन करता है। दूसरी बात,
मेरे जीवन में जो प्रमुखता होनी चाहिए, जो आकर्षण होना चाहिए, वो बलवान की ओर नहीं होना चाहिए, वो किधर होना चाहिए? मूल्यवान की ओर हो। अच्छा जी, आगे देखिए, हम इसको थोड़ा डिराइव कीजिए, जो मेरे चिंतन में आया। मूल्यवान का मतलब ये नहीं है, जरा हम कभी कभी व्यवहार में हम लोग ऐसा समझते हैं कि गलत, जो गलत है उसको सही कह दें और ये मेरी क्या हो गई? साधुता है। थोड़ा समझ के रखिएगा, कोई चीज गलत है और उसको मैं क्या कह दूं? सही कह दूं, तो बोले ये कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं? सज्जन है। ये गलत थॉट है। साधुता का लेना देना बुद्धि के स्तर से नहीं है। देखो, बुद्धि का कार्य क्या है? खट्टे को खट्टा कहना, मीठे को मीठा कहना, हाँ जी, गलत को गलत कहना और सही को, ये किसका कार्य है? बुद्धि का कार्य। साधु हो या असाधु, मैं साधु को बीच में नहीं ला रहा हूं। और हमें क्या लगता है, हम मैं गलत को भी क्या कह दूं? सब अच्छा है, तो मैं अपने आप को क्या साधु क्यों? और यही नहीं, जब रॉन्ग फिलॉसफी यूज करता है ना, तो उसके लिए वो एग्जाम्पल भी दे देता है। क्या कहता है पता है आपको? सिया राम में सब जग जाने, वाह, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, अभी चोट नहीं लगी इसको। ये अच्छी अच्छी बातें तभी करता है व्यक्ति। आप समझना है कि ये गलत रास्ते पर है। दुष्ट को दुष्ट जानना, दुष्ट को साधु जानना, ये साधुता नहीं है। सावधानी से मैं क्या बोल रहा हूं, दुष्ट को साधु जानना ये साधुता नहीं है। दुष्ट को दुष्ट जानना ये बुद्धि का कार्य है, और साधु को साधु जानना ये बुद्धि का कार्य है। सोच के जरा इसमें देखिए, कहीं हम और आप इतना ढील दे रहे हैं मन को स्पिरिचुअलिटी और साधु स्वभाव के कारण, गलत को भी हम क्या कर रहे हैं पता है? और बीमारी है, बीमारी दूर होने का नाम ही नहीं लेती। भैया, घाव होवे आप उसको ढक दें, सेंट लगा दें और इत्र लगा दें, तो कितनी देर महकेगा? थोड़ी देर ना। ऐसे जीवन के हम लोगों के भी पैच हैं, सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोचो आप, सुधारना चाहते ही नहीं। मैं बताऊं, हाँ, किसी ने बोला तो मैंने इत्र लगा दिया, उसको लगा ठीक हो गया, लेकिन आपका जो पीप है वो फिर दो दिन बाद, मैं इस पे पूरा आऊंगा आपको, ये वो आपने दूर नहीं किया, और इसका है कि दुर्गंध आएगी, थोड़ी देर नहीं आएगी, उसके बाद आएगी। तो एक व्यक्ति से नहीं झगड़ेंगे आप, सबसे झगड़ेंगे। एक व्यक्ति गलत, दो व्यक्ति गलत, तीन व्यक्ति गलत, पूरा समाज गलत। हमारे बोलते लोग बोलते ना, समाज गलत। तो समाज मतलब क्या? बोले समष्टि, और समष्टि कौन है? भगवान। इसका भगवान गलत, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता। बुद्धि के स्तर पर साधुता नहीं होती। देखो, बुद्धि का जो शास्त्र कहता है वो एक ही लक्षण है, यथार्थ ज्ञान। देखो ये शब्द याद कीजिए, क्या कहा गया? बुद्धि का मतलब है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान मतलब जो जैसा है उसको वैसा जाना जाए, जो जैसा है उसको वैसा न जानकर, हां, कुछ और जाना, अच्छा जाना, अच्छा जाना, ये साधुता नहीं है। मैंने क्या बोला?
दुष्ट को दुष्ट जानना और साधु को साधु जानना, इसको बोलते हैं यथा खट्टे को खट्टा जानना, मीठे को मीठा जानना, तीखे को तीखा जानना, कड़वे को कड़वा जानना, ये सब क्या है? ये बुद्धि। तो जरा ध्यान, बुद्धि का सिर्फ एक कार्य होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान जो जैसा है वैसा जान। ध्यान रखिए, इस स्वभाव को साधु नहीं कहते। बुद्धि के, ये बुद्धि का एक लक्षण है ध्यान रखिए, और ये होना चाहिए, लेकिन इसको साधु नहीं कहते। अब आप साधु की परिभाषा क्या करेंगे? साधुता व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर आधारित होती, बुद्धि पर नहीं। ध्यान रखना, दोनों में अंतर देखना आप जरा। साधुता तो व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर आधारित है। बुद्धि के गलत और सही जानने को आप साधु नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धि के कार्य को वैसा का वैसा कहते हैं। कभी कभी हम उनको श्रूट बोल देते हैं, हमारी गलती। लेकिन जीवन मूल्य क्या है, मैं इनको सब लिंक करने की कोशिश करता हूं। वो व्यक्ति को साधु बनाते हैं। बुद्धि होने से ही व्यक्ति साधु नहीं बनता। बुद्धि बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन उसके स्तर पर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। तो जरा ये पूरा लेके आओ। संचालक तत्व हो गया। संचालक तत्व के बाद मैंने क्या बोला, आपको मूल्यवान बनने की जरूरत है। ठीक है, मूल्यवान के बाद मैंने आपसे दूसरा क्या निवेदन किया, तीसरा जो बिंदु है वो क्या है? बुद्धि का मतलब यथार्थ ज्ञान, और साधुता मतलब ये नहीं है कि मीठे को खट्टा कह दें, अच्छा स्वभाव बना लेना, गलत स्वभाव इसको नहीं बोलते। अब गलत को अच्छा कह देना, ये भी साधुता नहीं। तो साधुता, साधुता मतलब ये साधु नहीं, साधु बाबा जी लाल पहन लिया, जूड़ा रख लिया, माला पहन ली, साधु ना 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 ना। साधु मतलब एक संत, सरल स्वभाव, उसको बोलते हैं साधु। वो व्यक्ति के मूल्यों से होती, बुद्धि से नहीं। सावधानी से, मैं क्या मूल्यों से है, बुद्धि से नहीं। क्योंकि बुद्धि जैसे सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, वैसे आपकी क्या बनती चली जाएगी बुद्धि, उसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा, अब देखो साधुता, ये मूल्यों की ओर प्रवेश करो। व्यवहार में भेद का कारण क्या है? व्यवहार में भेद का कारण क्या होगा? नैतिक मूल्यों की जीवन में क्या स्थिति है? थोड़ा आराम आराम से पढ़ना आप इसको, खूब सोच लीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए, लागू कीजिए अपने ऊपर, लोगों पर, फिर निष्कर्ष निकालिए। दो लड़कों के दो व्यवहार, चार शिष्यों के चार व्यवहार, उन व्यवहार में भेद का कारण क्या? नैतिक मूल्यों की स्थिति बना। सोच के दो, आपके जीवन में जो, जिसको मैंने बोला ना मूल्य, वैल्यूबल क्या है जीवन में, कीमती किस चीज को समझते हैं आप? जैसी आपकी कीमती स्थिति होगी वैसे ही आपका क्या होगा? भाई देखो, आपको लगता है, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, आपको लगता है कि ये सत्संग और ये तो चलता ही रहता है, ठीक, ये कोई खत्म होने वाली चीज है क्या? लेकिन वो जो पार्टी है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कल ही तो आई, एक ही दिन की तो है पार्टी। तो अच्छा, आप देखो, तो आपके जीवन में मूल्यवान कौन चीज है? भले आप सत्संग में आए, मैं आपसे बताऊं,
होने वाला कुछ नहीं है। क्यों? यहां पर आपने वैल्यू किसको देके रखा है? दैट्स ऑल। इसलिए व्यक्ति बोलता है सत्संग करते सुधरते, सुधरेगा कैसे जीवन? आपके यहां के स्तर पर जो चीज मान ली, यहीं का सत्संग, सीधी सी संतों ने पहचान बताई, जो व्यक्ति जिस चीज को मूल्यवान समझता है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहता। जिस चीज को व्यक्ति मूल्यवान समझता है, मैं आपसे बताऊं, उसको छोड़ना नहीं चाहता। आप ये बताइए, मेरी नजर में ऑक्सीजन बड़ी मूल्यवान चीज है, तो आदमी क्या कहता? हाथ काट लो, चलो पैर काट लो, सब कर डालो, लेकिन ऑक्सीजन, क्योंकि मेरी नजर में हाथ पैर की तुलना में ऑक्सीजन, बोलो जी, वन ला पेशेंट सब कुछ कटाने को तैयार, जीवन रहना चाहिए। सीधी सी चीज है और आप उसको बुरा नहीं लीजिएगा, लेकिन अपने आप को चेक जरूर कीजिए। इसको बोलते हैं अपनी स्थिति जरूर पता कीजिए। जिस चीज को आप बहुत जल्दी छोड़ दें, और अच्छा और कह लूं, जो चीज आपसे सबसे पहले छूटे, संत लोग यही कहते हैं, सत्संग एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की सबसे पहले, यही इसकी ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन को ही क्या करता है, क्योंकि अनसीन है ना, दिखता नहीं कि इसकी पाइपलाइन कहां जा रही। मान लें एक गेस्ट आ गया, किसी भी अतिथि के आने पर आपका क्या पार्टी बंद हो जाती है? घूमना बंद हो जाता है? पेपर पढ़ना बंद हो गया? सोना बंद हो गया? म्यूजिक बंद हो गई? सिनेमा बंद हो गया? ये सब बंद हुआ, पर छूटी क्या चीज? तो देखो आप, वर्ष हो तो मैं अलग कह रहा हूं, क्योंकि सबकी अलग अलग स्थिति है, अपने अपने आप को चेक करना है। मुझे लगता है कि मुझे पूरे दिन नियोजित करने वाली यदि ये चीज है तो आप उसको कभी नहीं छोड़ सकते। आपसे बताओ, अरे भाई किसी को कहा जाए कि तुम अपना लॉकेट छोड़ दो, ये जो ताबीज पहनते हैं लॉकेट, तो क्या कहेगा? सब कुछ छोड़ दूंगा बट ये लॉकेट और ताबीज क्यों? इस जीवन के अनुभव बहुत से, मेरे पास न लॉकेट है न ताबीज, माला तो छोड़ ही देते, उसमें क्या, बिना माला के भी रहने की कोशिश करता हूं कई बार। एक हाथ में, अब उसको भी लोगों ने तंत्र मंत्र से जोड़ दिया, पता नहीं ये काला धागा, अरे भाई कहीं गए थे उस, तो उसने बांध दिया तो बंधा रह गया, बंधा रह गया तो 2 साल से बंधा रह गया। अब उसको लोगों को लगता है बहुत कुछ चीज हो गया। अच्छा, अब वो ऑपरेशन थिएटर में भी 10 बार पूछ चुकी, इस धागे को काट दें, काट दो, फिर से काट दें इसको, आपको कुछ एतराज तो नहीं? आप लो जी, अरे भाई जब बोला जा रहा है इसको आप काट, लेकिन उसके लगता है कि ये चीजें व्यक्ति छोड़ने को तैयार? काट लो जो करना है, आपके अपने प्रोसीजर अपने फॉलो करो। 10 बार वो पूछती, और कोई चीजें तो नहीं आपने ले रखी है अपने हाथ में? साधु हैं, कोई डोरा बांध रखा है, पैर में बांध रखा है, लोग बांध के रखते ना, रिंग पहन लिया, सर्कल पहन लिया, कुछ रख, कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा दिमाग ये लगा, इसमें व्यक्ति को जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान चीज क्या है? लाइफ। उसने सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? जो चीज आप सबसे पहले छोड़ो, आप समझना वो चीज आपके जीवन में सबसे, हाँ, कम मूल्यवान। और क्या कहा जाए, दुर्भाग्यवशात हमारी साधना सबसे कम मूल्यवान चीज है। साधना में हम सब मिला के कह रहा हूं, सत्संग कोई नहीं सुनता, जप कर ले, तप कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर, जो करता है वो करे, लेकिन अब मैंने देखा है इन कुछ भी काम आ जावे तो हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? अपनी जप, अपना तप, अपनी पूजा, अपनी माला, अपना संत, अपना सत्संग। और ये नहीं समझ में आता कि जीवन की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कहां से जा रही है। अब
अब लाख समझा लो, नहीं समझ में आता तो क्या करे फिर? फिर घबरा कर मार कर जब समाज वाले थपेड़ा मार देते हैं, फिर से आता है गंदा होके, फिर से नहाता है। अच्छा कभी लगता भी आधे घंटे में व्यक्ति का क्या जाता है 40 मिनट में? सोच, मैंने देखो पेपरबाजी में कर देगा, गप्पबाजी में खड़ा कर देगा आपको। सुबह व्यक्ति जैसे भी 40 मिनट फालतू की बातें करता है, आज देश में ये हुआ, यहाँ उसके पड़ोसी क्या हुआ, रिश्तेदार, उतने में तो हो जाता सत्संग, वापस आ जाते। अच्छा चलो नहीं, आप कुछ अकेले में बैठ के क्या कर लो, थोड़ा जप कर लिया जाए, थोड़ा ध्यान कर ले। अब कोई ये कहे कि हमको 24 घंटे में 40 मिनट नहीं मिलता तो फिर मर जाओ, फिर और क्या कहा जाए? 24 घंटे में आपको 40 मिनट नहीं मिल रहा है, और 40 मिनट फॉर व्हाट? फॉर 23 आवर्स। वो जो आधा है एक घंटा, वो 23 आवर्स के लिए नहीं मिलता आपको, तो क्या आपके जीवन में स्थिति होगी सब कुछ की? ताना बाना, इस मूल्य को इसलिए समझिए, व्यवहार में व्यक्ति के जो भेद है, भगवान के कारण है, ये सब कहने की बातें ना, भगवान के कारण ना, इच्छा के कारण, आप जिस चीज को कीमती समझते हैं हाँ उसको फॉलो करते हैं। मैं आपसे बोलूँ, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा है जो सुबह 3:30 बजे आपको एक चीज़ देगा और आपके जीवन में क्या आ जाएगा, एकदम सब कुछ बदल जाए। नहीं जाते हम? क्यों जाएंगे? मेरी नज़र में वो चीज़ क्या है? वैल्यूबल है। फिर व्यक्ति न दिन देखता है न रात देखता है, कौन है और कौन नहीं वो भी नहीं देखता है। इसका मतलब आपके लिए वो चीज़ क्या है? कीमती। व्यवहार में भेद का सबसे बड़ा जो कारण है वो महाराज जी सिर्फ एक है, आपके जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थिति क्या है। अच्छा चलो इन शॉर्ट, और आपको मान लें आपका व्यवहार अच्छा है, आपको ये सब साधक के मन में प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना मैं जीवन ठीक से जी रहा हूं कि नहीं, तो शुद्ध व्यवहार के आप क्या करोगे, लक्षण क्या है? मैंने जो व्यवहार किया सो कॉल्ड वैल्यूज के कारण, तो मेरा जो व्यवहार है वो शुद्ध है कि नहीं? तो आप उसको सबसे पहले क्या, उसके मतलब सिम्टम क्या, तो अपने आप में चेक करेंगे। और देखो ये सबके लिए है, ध्यान रखना, अपना अपना चेक करें कि जो मैं जीवन बिता रहा हूँ, अभी दिन भर व्यवहार करेंगे, साल भर करें, महीने भर करें, सप्ताह भर करेंगे, महीने भर करेंगे, साल भर, एक रिपोर्ट बनाइए महीने की हर दिन। वैसे तो बुजुर्ग लोग यही कहते थे, मुझे याद है कि जब भी रात में बिस्तरे पर जाएं तो अपने व्यवहार का क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए, रात में आपको सब सामने आ जाएगा रिपोर्ट कार्ड। शुद्ध व्यवहार का लक्षण क्या है? पहला, जीवन में आनंद की स्थिति बरकरार रहती है। गलत व्यवहार का लक्षण है व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं रहता। अब ध्यान रखना, कौन गलत कौन सही, किसने कल्प्रिट कौन है, ये सब तमाशा बात की बात है, लेकिन हुआ ये कि मैं जो हुआ था आनंद में वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक अलग विश्लेषण है, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि मैं क्या हो गया हूं, दुखी। पहला सिम्टम अपने अपने देखिए, आनंद की स्थिति बरकरार है या नहीं, दीजिए अपने आपको नंबर, क्रॉस चेक कीजिए, टिक मारिए, महीने भर चार्ट गिन लीजिए, जैसे हम लोग डायबिटीज का बनाते हैं ना, फास्टिंग ये पीपी ये महीने भर का बनाया, डॉक्टर देखता है उसको एवरेज समझ में आए, आप भी एवरेज बनाइए। सेकंड, शुद्ध व्यवहार है तो स्वामी जी हमारे बार बार बोलते रहे
दूसरा लक्षण साधक को देखना चाहिए, वह जो संबंधों को निभा रहा है दूसरे के मन में आपके प्रति क्या भाव जागे। व्यवहार ध्यान रखना, अपने लिए नहीं कर रहा, व्यवहार किसके लिए कर रहा है, जगत के लिए ही होता है, स्व के लिए व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार मतलब ही आपको क्या बोलूं वेदांत में, द्वैत, अद्वैत में व्यवहार नहीं है। कोई कोट करेगा मांडुख्य का श्लोक क्या है? नहीं नहीं, अव्यवहार्यम पहला ही श्लोक है, तत्व में व्यवहार नहीं होता। इसलिए मांडुक्य उपनिषद का पहला ही दूसरा मंत्र कहता है अव्यवहार्यम, व्यवहार तो द्वैत में है, और इसी द्वैत से कहां जाएंगे अद्वैत पर। तो आपका व्यवहार यदि गड़बड़ है तो आपके जो लोगों के मन में आपके प्रति जो दूसरा व्यक्ति है, एक व्यक्ति देखो गड़बड़ हो सकता है, दो गड़बड़ होगा, तीन गड़बड़ हो, लेकिन पूरा समाज गड़बड़ हो जाए ये नहीं कह सकते आप। इसका मतलब आपके व्यवहार में क्या है, दोष। मतलब उसको ढकने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना, तो आप सुधार कभी नहीं कर पाओगे। आपको कैसा, जब हमारे स्वामी जी को जब कई बार वो दोष बताते हैं, जैसे ही व्यक्ति ने, मैंने देखा कि क्लेरिफिकेशन देना स्टार्ट किया उन्हें, तैसे ही वो अपने आप को कहते हैं हाँ यू आर राइट, और वो बात को क्या करते हैं। मैंने पूछा आपको पता ही गलत था, आपने क्यों किया ये जाने, क्योंकि ये व्यक्ति सुधरने को, इसके पास एक क्यूज तैयार, चालू कर दिया इसने, तो बोलते मैं क्यों सुधारूं, मेरा काम जैसे मैंने चालू किया इसने अपने आप को विड्रॉ किया, ये जाने इसकी किस्मत जाने। देखा है मैंने साक्षात शिष्यों के साथ भी, क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन को डस्टबिन में डाल के रखिए। गलती है, इसलिए गुरुदेव का कोटेशन आज जब जितना आप जीवन जियो समझ में आ रहा है, इफ यू रियलाइज यू वर रॉन्ग हैव करेज। अरे जी काहे का करेज, हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग मानेंगे नहीं, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। अरे आप, मैं कहता हूँ गलती स्वीकार कर लीजिए कभी, तो मैं अपने आप को ऐसा पाता, आप गलती मान लीजिए कि गलती, तो दूसरे के मन में आपके प्रति और इज्जत का भाव क्या हो गया, बढ़ गया, देखिए इन्होंने अपनी गलती क्या की थी, केस वहीं सॉल्व हो गया, खत्म बात, कहाँ उसको बढ़ा के ले जा रहे हो, इतना मानने को तैयार नहीं। इसका मतलब व्यवहार आपका शुद्ध नहीं। अच्छा व्यवहार, आप फूल जैसे बोलते ना, फूल क्या होता है पता है, सुगंधित होता है, और वो सुगंधित है तो सभी को क्या देगा पता है, सुगंध ही देगा, दुर्गंध नहीं दे सकता। यदि अच्छा व्यवहार है आपका तो आप सबके प्यारे बनेंगे, और इसको बोलते हैं लवेबल बनने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना लोगों के प्यार के पात्र बनिए, और ये तभी हो सकता है जब आपका व्यवहार कैसा होगा, मीठा होगा। शुद्ध व्यवहार का लक्षण है स्वयं की प्रसन्नता दिन पर दिन क्या होती है, बढ़ती जाती है। दूसरी चीज है, मेरे लोगों के मन में जो संबंध है मेरा, उसके प्रति उनके मन में और क्या पैदा होता जाता है, प्रेम। और आखिरी आखिरी, यदि शुद्ध व्यवहार है, ठीक है, तो आप यथार्थ की ओर प्रवेश करते चले जाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, यदि शुद्ध व्यवहार है तो आपको व्यवहार से उपराम दिला देगा। देखो बार बार उलझ उलझ के उलझ उलझ के वही समस्या आवे तो आप समझ लेना कि अभी समस्या को आपने ठीक से सुलझाया, पैच वर्क चल रहा। हम देखते रहते अपने आश्रम मिशन सब, समस्या ठीक से सुलझी नहीं, उसी में व्यक्ति उलझ रहा, वही बीमारी पहले थी, मान लीजिए
कड़ू बोलने की बीमारी, अभी ये सब आने वाला है, अमानित्तम है, अभिमान की बीमारी। तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं बदला स्वभाव तो आपको एक व्यक्ति दोष नहीं देगा। मैं आपसे कह सकता हूं, आप उनके घर में ईमानदारी से प्रवेश कीजिए और अकेले में मिल लीजिए, आपको हर व्यक्ति अलग अलग बोलेगा तो वही एक बीमारी बताएगा। क्यों? क्योंकि इसकी व्यक्ति की बीमारी है और ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। सब लोग दूषित होंगे, ध्यान रखना, एक नहीं। और ये बीमारी बड़ी तो समाज जो है आपका, अब देखो आप खून के रिलेशन वाले झूठ बोले तो पास पड़ोस, फिर आपके इष्ट मित्र, फिर आपके रिश्तेदार, फिर आपका स्पिरिचुअल दायरा, कहां तक ये बीमारी फैल गई। और एक गलती ये हुई कि मैंने उस चीज को मानकर अपने आप में व्यवहार में कमी जो दूर करनी चाहिए वो ऑपरेशन नहीं किया। तीन लक्षण हैं व्यवहार के, आनंद की स्थिति बरकरार रहनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। दूसरा, लोगों के मन में जो संबंध है उसके प्रति और प्रेम क्या होना चाहिए, आपके प्रति पैदा होना, लवेबल बने। तीसरा, आखिरी यही, इसलिए महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी बार बार कहते, मैं बार बार उसको बोलता हूँ, जो चित्त पर व्यवहार को नहीं संभाल सका वो परमार्थ को कभी नहीं संभाल सकता। और ये कथा कथित वेदांती लोग छिपाने के लिए अपने व्यवहार को बोले अद्वैत है, सब ऐसे ही हैं, यहाँ तो कुछ सत्य ही नहीं, सब फालतू की बातें कर रहे हैं आप। और आप देखना, मैं आपसे बताऊं, मैं देखता हूं जो अद्वैत में प्रतिष्ठित हैं उनके व्यवहार को देखिए जरा, उनको सब लोग चाहते हैं। मैंने देखा दुश्मन भी, मैंने देखा कोई आपसे किसी बात से कोई व्यक्ति सहमत नहीं है, स्वाभाविक है नहीं सहमत, ध्यान रखना। संत स्वभाव मतलब ये नहीं कि सब आपसे सहमत हों, किसी इश्यू पर आपसे असहमति हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना आपकी पर्सनालिटी पर वो कुछ नहीं बोल सकता, डिफरेंस है समझना। किसी इश्यू पर आपसे कह सकता है कि मैं इस प्रस्ताव पर आपसे सहमत नहीं हूं, ठीक है, ये स्वस्थ लक्षण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के व्यक्तित्व पे क्या लगा दें, वो नहीं कर सकता। तो ये यदि अच्छा व्यवहार, तो ये जो महाराज जी की पंक्ति कुछ सोच के होगी कि जब आप चार लोगों को तो संभाल नहीं सके तो आप किसको संभालने की बात बोले, अद्वैत तत्व की, जो छिपाव है, दुराव है, चुराव है। जो व्यक्ति व्यवहार नहीं संभाल सका वो परमार्थ अद्वैत कभी नहीं संभाल सकता। इसलिए जितना अच्छा व्यवहार होगा उतना ही अच्छे आप अव्यवहार्य में जाके क्या हो जाएंगे पता है, प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आपको दोबारा से लेके नहीं आएगा। और रामचरित, आपने राम गीता में भी यही पढ़ा, अभी क्या चौपाई है, यदि अच्छे से किया जाए कार्य तो वो आपको क्या करता है, मुक्त कर देता है। क्या चौपाई क्या है, याद आता है कुछ? यदि अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी कर दी जाए तो वो ड्यूटी आपको क्या करती पता है, छोड़ देती है। धर्म ते विरति, धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब क्या, कर्तव्य, और कर्तव्य मतलब क्या, कर्तव्य मतलब क्या, व्यवहार, एक दूसरे के प्रति व्यवहार में ही तो कर्तव्य है। धर्म ते विरति, जिस दिन आपने अच्छा व्यवहार किया लैंडिंग आपकी क्या होगी, आप व्यवहार में, क्योंकि आपने व्यवहार ऐसा ऐसा सबको छूट गया, यही आपको यथार्थ ज्ञान की ओर क्या ले जाएगी, ले जाएगी, वहीं प्रतिष्ठित करेगी, किसका, जिसका व्यवहार अच्छा है। इस चर्चा को अभी आगे बढ़ाते हैं, फिर आते हैं अमानित्तम पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।